सलकुम डियर स्टूडेंट्स होप यू आल आर गुड आई एम ऑल्सो गुड थैंक यू सो टुडे कल का ही टॉपिक हम रिपीट करने वाले हैं क्योंकि कल का जो टॉपिक है वो अधूरा रह गया था तो आज हम इसको इनशाला कम्प्लीट करने वाले हैं राइट माई डियर सो हेयर वी गो फॉर आवर लेक्चर द टॉपिक इज़ सुफेरिकल मिरर्स कल ही हमने आपको आ, अच्छे से इसको मतलब समझाने की कोशिश की आज फिर से थोड़ा बहुत रिकेपचुलेट करेंगे So, spherical mirror, already I have told you in yesterday's lecture. So, today you can see the diagram. And one more thing that's very important here today we are also going to discuss about. सुफेरिकल मिरर एंड द इमेंट ट रिलेटेड विद दैट मिरर आपको अभी पता चलेगा कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म्स है दैट आर एक्चुअली रिलेटेड विद द सुफेरिकल मिररर्स दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट एंड यू मस्ट नो देम दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि कल जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हो एंड यू विल फाइंड इट वेरी ईजी इफ यू रिमेंबर ऑल दिज टर्म्स सो हियर द डाइग्राम वॉट डाइग्राम सेज़ ना दिस इज मिरर एंड नाउ यू कैन सी आप आराम से देख सकते हैं जो मैंने रेड लाइन मार्क की है आई हैव पॉलिश दिस सुफेरिकल सरफेस पार्ट सेक्शन एक मैंने लिया आप देख सकते हैं एक सेक्शन को मैंने लिया एम एम डैश तो एम एम डैश को मैंने आउटसाइड पॉलिश किया है आई हैव पॉलिश दिस पार्ट ऑफ द सुफेयर बाई वॉट बाई सिल्वर कोटिंग और एनी अदर कोटिंग इट मीनज वन इज द पॉलिश सरफेस एंड अनदर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस नाउ सेम आइडिया दिस इज ए केव दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज shabash uh, uh, this uh, polished surface so it is just like a cave so it is concave mirror no need to discuss in a detail we have already read about it now coming to this diagram coming to this diagram you can see inner side is polished by the red mark huh? it is inner side that is polished but it is the outer side that is unpolished that is the reflecting surface one more important point i am repeating the point is because so that you can find it very easy yesterday i do mention in my previous lecture that center of curvature and reflecting surface they face each other it means sir, concave mirror is that mirror in which reflecting surface is towards the center of curvature. Now, coming to this center of curvature is away from the reflecting surface. Sir, what is this? It is convex mirror. It is convex mirror. Now, you can see the part of the mirror I denote this. एम एम डैश सो एम एम डैश द पोर्शन ऑफ दिस सफेरिकल मिररर एम एम डैश इट इज एक्चुअली कॉल्ड एपर्चर द फर्स्ट टर्म दैट यू हैव टू रिमेंबर एपर्चर इट इज फर्स्ट इज एपर्चर नाउ यू कैन सी दिस कर्व का जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो दूसरा पॉइंट जो आपको कल डिफाइन करना होगा दैट इज सेंटर ऑफ वेचर वेरी गुड कर्वेचर नंबर थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं सेंट्रल जो अपरचर मैंने लिया यहां पर एम एम डैश इसका जो मिड पॉइंट है यहां पर दैट इज पोल तो थर्ड पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेम्बर दैट इज पोल ट इज पोल वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्के मिरर और वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वैक्स मिरर तो यह टर्म्स जो है यह इसके भी रिलेटेड है और यह जो टर्म्स है आई होप इट इज क्लियर टू द टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर नाउ सी द लाइन दैट पास इज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सीज दैट इज वॉट कॉल्ड Principal axis. So fourth point that that is the term that is related with the spherical mirrors is shabash. Principal axes. Principal axes. Good. One more point, one more point that you have to remember is the distance between center of curvature and pole. Aapko lagta, it is just like a radius of the circle. So this is called as radius of curvature. I denoted it capital R so the distance from what to what c to p it is nothing but sir it is the radius of the circle so since we are dealing with this curvature it is called a radius of curvature and the fifth point my dear that you have to remember is a radius shabash a radius of curvature curvature Okay. So these are important terms that are related is one more point that you have to remember in next slide we are going to show that. But आप इसका स्क्रीन शॉट उठा सकते हैं और यू कैन नोट इट डाउन ऑन योर कॉपी बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर ये टर्म्स आपको याद नहीं रहेंगे बेटा मेक श्योर दैट आगे लेक्चर में जो हम रे डायग्राम्स बनाने वाले हैं उनको मतलब डिफाइन करने में या उनको ड्रा करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी इसलिए उनको अच्छे से समझने के लिए बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स दैट आर रिलेटेड विद वाट सफेरिकल मिरर्स। so, मेरा कहने का मतलब है रे डायग्राम को समझने के लिए आपको सबसे पहले इन सफेरिकल मिरर्स के जितने भी टर्म्स हैं आपको ये याद रखने ही रखने हैं सर आपने कौन कौन सी टर्म बताई पहले टर्म जो मैंने बताई एपर्चर देखो इट इज द पार्ट ऑफ द सुफेरिकल मिरर इट इज एक्चुअली द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज कॉल्ड एपर्चर तो एपर्चर का जो मिड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पोल समटाइम इट इज कॉल्ड वर्टेक्स वर्टेक्सटाइम इट इज कॉल्ड व्हाट वर्टेक्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज वर्टेक्स तो एम एम डैश यहां पे क्या है सर इट इज एन अपर्चर तो ये सारा एपर्चर जो है इट इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज एपर्चर नेक्स्ट पॉइंट मैंने uh, क्या कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर Now, ये सब, ये जो सुफ्यर है सुफ्यर का जो सेंट्रल पॉइंट है वो सी है लेकिन हमने क्या लिया तो इसका भी कौन सा सेंटर uh, आ गया दिस सी तो दैट इट क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट जो है ऑलरेडी प्रीवियस नाउ थर्ड पॉइंट पोल आपको पता है अभी मैंने कहा कि जो अपर्चर का मिड पॉइंट है जिसको मैंने डिनोट किया है एक्स डैश एक्स या एकस एकस ये पास शिगसन। जो पास होती है और ये दो पॉइंट को आपस में मिलाती है किस पॉइंट किस किस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और शबाश प्रिंस पोल ऑफ द वट इज वट इज प्रिंसिपल एक्सीज सर प्रिंसिपल एक्सीज इज द लाइन दैट ज्वाइन सेंटर ऑफ करवेचर विद ऑफ दर सो दिसर के बारे में आपको बताया वही पॉइंट आपको याद रखने हैं बेटा किस में कॉन्वेक्स में अब फरक क्या है फरक इतना ही है कनकेव मिरर में इट इज पॉलिश आउटसाइड लाइक दिस अगर आप चमच लेंगे चमच चम्मच ना इतक लाइक दिस ये केव जैसी है इनर साइड इज नाउ कन केव एंड आउटर साइड जो है इट इज वट आप आप ट्राई करना जब आप कन के साइड में देखोगे ना आपका जो चेहरा है वो बड़ा आ जाएगा लेकिन जो ही आप क्या करते हो जो आप ऐसे चम्मच रखते हो आपका चेहरा छोटा आता है ये हम बाद में भी पढ़ सकते हैं बेटा नो no शो sure, लेकिन फ़िलहाल आपको याद क्या रखना है डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर ये ऑलरेडी हमने आपको समझाया है लेकिन वन पॉइंट जो हम नेक्स्ट सिसम में पढ़ने जा रहे हैं ये सारे बेटा टर्म्स आपको याद रखने ही रखने हैं ये बिल्कुल आपको फिर मदद मिलेगा जब आप रे डायग्राम मतलब सॉलो करते हो या ड्रा करते हो इसमें आपको ईजीनेस फील हो जाएगी राइट माईडियर सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स आई होप इट इज क्लियर आई एम गोइंग टू रॉब इट नाउ मुझे उम्मीद है कि आपको यह सब समझ आया होगा सो हियर आई एम गोइंग टू रॉबिट नाउ द सेकेंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस मैं बताने जा रहा हूँ कनकेव मिररर और कन्वेक्स मिरर में तो लेट एस सी लेट एस सी एंड लेट एस वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड सो okay. so, अगर हम कनकेव की बात करते हैं कनकेव इट इज जस्ट लाइक दिस कॉनकेव अभी बताने की जरूरत नहीं है इट इज ना वट इज दिस पॉलिश इट आउटसाइड वेरी गुड इट इज एम एम डैश इट इज एपरचर सर नाउ यू नो यू नो अभी हमने डिस्कस इन पॉइंट को किया है दिस इज दर ऑफ द सुफेरिकल मिरर जो हमने पार्ट ये सेपरेट किया है सो वट इज दिस सर दिस इज द पोल दिस इज द पोल सर वट इज दिस सर दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सो वैन यू आर वैन यू जॉइन दिस टू लाइन इज वट दिस एक्सीज इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड बेटा शबाश प्रिंसिपल एक्सीज दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सीज आई डिनोटेड पी ए प्रिंसिपल एक्सीज सी कम केव मिर में क्या होता है वेन अवर द लाइट रेज इन कमिंग रेस पर्ल टू द प्रिंसिपल एक्सीज मैंने रेड लाइन से दिखाया बेटा आप देख सकते हैं ऊपर से भी या नीचे से भी आप देख सकते हैं लाइक दिस लाइक दिस दे आल आर पर्ल देर पर्ल सो दे रिफ्लेक्ट एंड दे विल मीट एट अटन पॉइंट दे विल मीट एट अटन पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइक दिस i say like this like this like this and this is called focus दिस इज कॉल्ड फोकस तो दिस वट इज कनके मिरर सर कनके मिरर सिंस ऑल द रेज कमिंग टूवर्ड द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट एटन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिज दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस तो और एक नई टर्म आ गई यहां पर दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस देखो प्रिंसिपल फोकस क्यों कहेंगे सिंस दिन इज द Point is located on the principal axis. That is why it is called as principal focus. जितने भी incoming rays आप देख रहे हैं, source से incoming rays आ रही हैं, they are parallel to the principal axis और वे एक ही point पे focus हो गए, तो इसको हम कहेंगे sir, this mirror is also called as converged mirror. इसका क्या मतलब है? Converge का मतलब क्या है? जितने भी rays यहाँ से आते हैं जितने भी रेज यहाँ से आते हैं वो एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन सो दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट मिरर तो कल आपको एक और एक डिफरेंस आपको पता चल गई कि सर कनके मिरर की प्रॉपर्टी क्या है सर एक कन्वर्ज रेज को करता है दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट तो वट विल बी योर आंसर वैन यू टॉक अबाउट नाउ दिस कॉन्वेक्स मिरर सर रेज जो है ये डाइवर्ज होते हैं लाइक like दिस ये डाइवर्ज होते हैं सो दिस इज़ कार्ड एज़ डाइवर्जेंट इट इज़ कार्ड डाइवर्जेंट मिरर It is also called as what divergent mirror. So this is the difference between what and what difference is between concave mirror and convex mirror and now my dear it is all for today. Uh, we have so far discussed the spherical mirrors two types and we have also discussed some important terminologies that are related with spherical mirrors. So inshallah tomorrow I I will come up with the next lecture. That's very important. I hope you you will not miss that and that is uh, a new sign convention is of spherical mirrors. Mirrors. Okay, my dear, uh, I hope you have watched this video. If you really like this video, support me. And uh, one more point subscribe the channel and don't forget to comment if you really like the video. Thank you. Have a nice day.